खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी मेरे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की सलाम। तो ये आज का वचन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सच में आपकी मदद करेगा कि आप फुल्ली पूरी तरह से 100% परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास बनाकर रखें। वचन से हम पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, प्लीज़ इसे पढ़िए ध्यान से। लिखा है हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 56 Psalms 56 एंड वर्स 11 वचन 11 से हम पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पर दाऊद लिख रहा है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वाह, मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अब सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है विश्वास किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। देखिए जब बात आती है विश्वास की, तो विश्वास या भरोसा रखना उस चीज के ऊपर जहां से हमें पनाह मिलेगी, जहां से हमें मदद मिलेगी। अब दाऊद के लिए बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर दाऊद विश्वास कर सकता था, जिनके ऊपर दाऊद भरोसा रख सकता था। उसके पास सेना है, उसके पास पोजीशन है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है जिसके ऊपर वह भरोसा रख सकता है। लेकिन इन सब से परे दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर है, ना कि पैसे के ऊपर, ना कि मेरी सेना के ऊपर, ना मेरी पोजीशन के ऊपर, ना मेरे आसपास के लोगों के ऊपर, ना यहां तक कि मेरे बाल बच्चों के ऊपर। मेरा भरोसा है परमेश्वर के ऊपर। यस, और यही चीज है आज जो हमारी जिंदगी में होना बहुत ही जरूरी है एज ए क्रिश्चियन। देखिए हम कई बार भरोसा रख लेते हैं अपने पैसे के ऊपर, हाँ कि मेरे पास पैसा है, अब मुझे किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की, किसी भी तरह की परवाह फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मैं सब कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन ये भरोसा रखना हमें विनाश की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि ये पैसा, ये दौलत, ये बॉडी, ये अच्छी हेल्थ हमेशा के लिए हमारी नहीं है। हो सकता है आपको भरोसा हो अपने अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर कि मेरी अच्छी बॉडी है, मैं तंदुरुस्त हूँ, पूरी तरह से फिट हूँ, मुझे क्या हो सकता है, मैं अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारूँगा। लेकिन देखिए एक बार अगर आपको कभी टाइम मिले तो कब्र का या शमशान घाट का कहीं भी जाकर एक चक्कर लगा के आओ और देखो कि वहाँ पर वो लोग थे जिन्होंने कभी सोचा था कि हम सबसे हैंडसम है, हमारे जैसा खूबसूरत या ब्यूटीफुल कोई इंसान है ही नहीं, जिन्होंने सोचा था कि हम सबसे ताकतवर है, मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आज वह सब सो गए। इसी तरह से हमारे पास भले ही कितना भी पैसा हो, कितना भी अच्छा स्वास्थ्य हो, कितनी भी ताकत क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ये सब कुछ खत्म होना है। लेकिन काम क्या आएगा, काम आएगा हमारा विश्वास, हमारा भरोसा कि किसके ऊपर हमने रखा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने भरोसा किसके ऊपर रखा है, कि अपने पैसे के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, या अपने किसी ऐसे रिलेटिव के ऊपर जो कि आपको लगता है कि उसकी पहुंच या उसकी अप्रोच बहुत बड़े बड़े जो नेता है उनके तक है। देखिए आपका भरोसा अपनी पढ़ाई के ऊपर हो सकता है कि मैं बहुत ही पढ़ा लिखा बुद्धिमान इंसान हूँ, आपका भरोसा अपनी नॉलेज के ऊपर हो सकता है, लेकिन दिस ऑल विल एंड इन मिजरी, ये सब कुछ एक दिन विनाश होगा, ये सब कुछ एक दिन ख़त्म होगा और आपको निराशा देकर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब होना गलत है, ये सब कुछ होना अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन इन सब के ऊपर अपना भरोसा रख लेना और परमेश्वर को भुला देना ये गलत है। दाऊद के पास भी ये सब कुछ था, लेकिन इस सब के बावजूद भी दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा है मेरे परमेश्वर के ऊपर। मेरे प्रियो, मेरा और आपका फोकस, भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि अगर वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है, तो मेरे पास सब कुछ है, और अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भले ही सब कुछ मेरे पास है, लेकिन उसके बिना सब कुछ ज़ीरो है। दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। क्या आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है? अपने आप से पूछिए, अपने आप को देखिए, जांचिए कि क्या आपका भरोसा सच में परमेश्वर के ऊपर है। इज इट रियली ऑन गॉड? इज योर ट्रस्ट इज ऑन गॉड? क्या आपका भरोसा खुदा के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर है? फिर दाऊद लिखता है कि मैं नहीं डरूंगा,
दाऊद को बहुत सी चीज़ें डरा रही थी, उसको बहुत से विरोधी डरा रहे थे, बहुत सी बड़ी बड़ी ताकतें थी जो डराने वाली थी, उसको बहुत सारा खतरा भी था। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए भी दाऊद कहता है कि मैं इन्हें देखकर डरूंगा नहीं, भले ही बहुत सी सेनाएं आ रही हैं मेरे खिलाफ, भले ही बहुत से देश आ रहे हैं मेरे खिलाफ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सबको देखकर डरने वाला नहीं हूँ। आज मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत सी बीमारियां दिन प्रतिदिन एक नए नए रूप को लेकर दुनिया में फैल रही हैं, जैसे कि कोरोना था, कोरोना ने बहुत से लोगों को डराया, उसके बाद फिर वो एक नया रूप लेकर हम कह सकते हैं कि सामने आया, अभी भी प्रेजेंट है, बहुत से केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अभी जो बहुत ज़्यादा तेज़ी स्प्रेड हो रहा है लोगों के लिए और WHO के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, वो है मंकी पॉक्स। अब वो लोगों के अंदर बहुत डर को पैदा कर रहा है। लेकिन एज ए क्रिश्चियन, मसीही होते हुए, इन बीमारियों को देखकर, अगर हम लड़ाई झगड़े आसपास देख रहे हैं, इनको देखकर, दंगों को देखकर, बुराई को देखकर, हमें डरना नहीं है। यस, यहाँ हम इन चीज़ों को देखकर चिंतित हो जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं, लेकिन वी हैव टू कम बैक टू द मेन मेन्यू। जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, तो जब भी हम किसी जगह पे चले जाते, कोई ऐप ओपन कर लेते हैं, लेकिन वो बैक जाने का नाम नहीं लेती, बैक नहीं जा पाते हैं, या कुछ नहीं कर पाते उस ऐप के आगे, या किसी भी चीज़ को अगर हम ओपन कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम होम बटन को प्रेस करते हैं ताकि सब कुछ कट होकर हम वापस बिगिनिंग में आ जाएं। सो इसी तरह से हमारा होम बटन परमेश्वर का वचन है। यस, परमेश्वर के वायदे हैं, परमेश्वर की कही हुई बातें हैं। चाहे कुछ भी उलझा हुआ हमारे आसपास हो या हमारे सामने हो, चाहे किसी भी तरह की चीज़ें हमें चिंतित क्यों ना कर रही हो, लेकिन वी नीड टू प्रेस अ होम बटन। हमें वापस परमेश्वर के वचनों में आना है, जो कि हमें कहता है कि ना डर ना घबरा, देख मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। कीप दैट इन योर माइंड एवरी टाइम एवरी डे। मत घबराना, मत डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जो परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ, और ये होम बटन है जिसके ऊपर हमें बार बार आना है, भले ही हम चिंता में, फिक्र में कहीं भी चले जाएं, लेकिन वापस होम बटन को प्रेस करना है और इस चीज़ के ऊपर आना है, जो कि दाऊद कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। फिर वह लिखता है कि इंसान मेरा क्या कर सकता है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसे इंसानों का डर नहीं है कि वो मेरा क्या कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो चुका था। उसे डर नहीं था, उसे पता था कि उसकी इटर्निटी क्या है, उसका अंत क्या है, वह अच्छी तरह से जानता था। इसी तरह से मेरे मसीही भाइयों और मेरी बहनों, जब लोग हमें परेशान करें, जब बीमारियां हमें परेशान करें, जब ये किसी भी तरह के वायरसेस आकर हमें परेशान करें, चिंता में डालने की कोशिश करें, हमें डराने की कोशिश करें, लेकिन हमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि हमारे लिए एक जगह सिक्योर है, हमारे लिए अनंत जिंदगी सिक्योर है। हमारे लिए सिर्फ यही जिंदगी नहीं है जो 60, 70, 50, 40 कितने सालों तक चलेगी, हमारे लिए वो जिंदगी खुदा ने रखी है जो कि हमेशा के लिए चलेगी, और वहाँ पर कोई रोना नहीं होगा, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई गम नहीं होगा, वहाँ पर कभी रात नहीं होगी, सदा दिन रहेगा, और खुशियों का, आनंद का सूर्य यानी सूरज कभी अस्त नहीं होगा। हम वो जगह के लिए तैयार हो रहे हैं, हमें उस जगह की उम्मीद है। प्रभु यीशु कहते हैं योहन्ना अध्याय 14 में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह को तैयार करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो। वाह, व्हाट अ प्रॉमिस, क्या वायदा किया है हमारे खुदा ने हमारे साथ। किसी ने भी यह वायदा नहीं किया कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहो, मैं तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करता हूँ। प्रभु यीशु ने आपसे कहा है, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा है, वो आपसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जगह तैयार रखी है, जहाँ वो है वहाँ आप भी रहें, वहाँ मैं भी रहूँ। पौलुस भी इस चीज़ को लिखता है कि मैं इस उम्मीद में हूँ, इस विश्वास में, कि कब इस शरीर को छोड़कर, इस पृथ्वी को छोड़कर, उस अपने प्रभु के पास जाकर रहूँ। मेरे लिए और आपके लिए यही सबसे बड़ी उम्मीद का कारण है, तसल्ली का कारण है, खुशी का कारण है, आनंद का कारण है, कि हम वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर हमारा प्रभु है, जहाँ पर प्रभु यीशु के चेले हैं, जहाँ पर वो लोग हैं जिन्होंने इन पत्रियों को लिखा है।
यस, ये है हमारी तसल्ली। दाऊद भी कहता है कि मैं नहीं डरूंगा, इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है, लोग हमारा क्या कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा उनसे मत डरो जो कि तुम्हारे शरीर का नाश कर सकते हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। वह हमें मार सकते हैं, हमें ख़त्म कर सकते हैं, हमारे शरीर को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वह हमारे अंदर जो परमेश्वर के प्रति प्यार है उसे ख़त्म नहीं कर सकते। वह हमारी आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकते जो कि इटर्नली सिक्योर्ड है, पिता के पास पूरी तरह से सुरक्षित है, उसके हाथों में उसके बेटे प्रभु यीशु के लहू के कारण। इसलिए इंसान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था लूथर के इतिहास को, तो लूथर के पास ये खबर पहुंची कि देखो जो रोम का एम्परर है यानी जो शासक है वो और पोप आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, वे आपको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन पता है मार्टिन लूथर ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मुझे इन सब की चिंता नहीं है, मुझे इन दोनों का बिल्कुल भी डर नहीं है, मैं इनकी परवाह नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अपना भरोसा किसके ऊपर रखा है, किसके ऊपर मैंने विश्वास किया है। वो बोला मुझे मौत का डर नहीं है क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे पता है कि मैंने अपना भरोसा किसके ऊपर रखा है। क्या आप क्या मैं ये कह सकते हैं जैसे दौत कह रहा था, जैसे लूथर कह रहा था, जैसे संत पॉल कह रहा था कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, मैं नहीं डरूंगा, इंसान मेरा क्या कर सकता है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अपना भरोसा किसके ऊपर रखा है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन इन अनदर मैसेज। आमीन।